तुम्हारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है और इस कहावत को चरितार्थ किया है बाबा पीर अखाड़ा सिलाना की होनहार पहलवानों ने। और हम पहुंचे हैं आज गांव सिलाना में बाबा पीर अखाड़ा में, जहां की तीन होनहार बेटियों ने राज्य स्तरीय कुश्ती स्कूली प्रतियोगिता में सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीतकर न केवल अखाड़े का, अपने कोचों का, अपितु अपने साथी पहलवानों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हम बात करते हैं आज बाबा पीर अखाड़ा पहलवान जो कोच है कदम कोच जी, जो काफी प्रसिद्ध हैं, हम उनसे बात करते हैं। कदम जी, आज लगातार आपकी जो पहलवान लड़कियां हैं वो लगातार क्षेत्र में आपका नाम रोशन कर रही हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? हमारी ये लड़कियां तकरीबन 6 महीने से ट्रेनिंग ले रही हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप दो लड़ा स्टेडियम हुई थी, उसमें हमारी 5 लड़कियों ने मेडल प्राप्त किए थे। उनमें से 4 लड़की खेलने के लिए गई थी स्टेट के लिए, वो महावीर स्टेडियम में हिसार में 6 से 8 अक्टूबर हो रहा है। तो इन बच्चों ने 2 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। एक हमारी बच्ची शिंदा नोरंग पर, वो अभी 13 तारीख को खेलने के लिए जाएगी, उसके बाद में क्या मेडल आएंगे क्या नहीं है। लड़कियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, तो इनको बधाई देता हूँ। आगे भविष्य में आप इनकी तैयारियों को लेकर किस तरह से मैनेज करेंगे और कितनी आगे तक जाने की आपको उम्मीद है? इन बेटियों को हमें अगले साल स्टेट चैंपियनशिप और नेशनल के लिए तैयार करेंगे। स्टेट चैंपियनशिप और नेशनल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए इन नन्ही बच्चियों को तराशने का काम करेंगे कदम कोच सिलाना। और हमने बात की कदम कोच से, जिनको लगातार उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं कुश्ती के क्षेत्र में, और गत दिनों में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने के बाद कदम कोच अखाड़ा की जो पीर बाबा अखाड़ा की लड़कियां थी, इन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो कि हिसार में आयोजित हुई थी 6 से 8 अक्टूबर को, उसमें इन्होंने काफी मेडल प्राप्त किए हैं। हम बात करते हैं, आपका क्या नाम है बेटा? तेजस्वनी। आपका कौन सा मेडल आपको मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है, वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? तन्नू। आपको कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर। आपका क्या नाम है बेटा? कीर्ति। आपको कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर। और इन बेटियों ने लगातार जिला स्तरीय प्रतियोगिता के साथ साथ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है। हम बात करते हैं पीर बाबा अखाड़ा कोच के, जो यहाँ पर अखाड़ा है उनके गुरुजी हैं जो कलीराम जी, उनसे हम बात करते हैं। आज इन बेटियों की उपलब्धि पर आपको क्या कहना है? इनको हम कुछ दिन में इंडिया लड़ा देंगे। वेरी गुड। तो आप इस उम्र में भी लगातार अखाड़े में बैठे रहते हैं, पिछली बार भी हमने देखा था, तो आप इस उम्र में इतना एक्टिव रह करके कि मतलब किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करते हैं? मैं सारी उम्र में नहीं गवाई से हर गवाऊंगा जी, बालक बनाने में सारे पहलवान बहुत बढ़िया बने हमारे। आज कुश्ती को अपना जीवन समर्पित कर चुके पहलवान का कहना है कि हम इनको राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाएंगे और इनको अच्छी तरह से तरासेंगे। हम पहुंचे थे पीर बाबा अखाड़ा सिलाना में, जहां हमने बात की कदम कोच से, और आप देख सकते हैं इस समय विभिन्न श्रेणी के पहलवान, जूनियर से लेकर के सीनियर वर्ग के पहलवान, जो लगातार बाबा पीर अखाड़ा सिलाना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और चंद दिनों में ही बाबा पीर अखाड़ा के पहलवानों ने न केवल झज्जर जिले में अपितु समस्त हरियाणा प्रदेश में अपना नाम रोशन करने का काम किया है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कदम कोच को और जो इनके पुराने सीनियर गुरुजी हैं, कोच हैं, उन सबको और पहलवानों को हम ये बधाई देते हैं कि इसी तरह से वो अखाड़े में प्रशिक्षण प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन करें। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।